गुरुवार का दिन हरियाणा के युवाओं के लिए सामान्य दिनों से अलग रहा, वो भी उन युवाओं के लिए जो अभी कुंवारे हैं, यानी कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिनों पहले करनाल के कलामपुरा गांव में एक जनसंवाद कार्यक्रम किया था। इस जनसंवाद में एक ग्रामीण ने कुंवारों की पेंशन की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा था कि सरकार कुंवारों के लिए भी कुछ सोच रही है, जिसके बाद से ही मीडिया में कुंवारों की पेंशन को लेकर चर्चा चलने लगी थी। इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री खट्टर ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुंवारों की पेंशन का ऐलान किया, जिसके बाद हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां कुंवारों और विधवाओं को सरकार पेंशन देगी। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि जो कुंवारे हैं, जिनकी उम्र 45 से 60 साल है और उनकी आय 1,80,000 से सालाना कम है और बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उन्हें पेंशन मिलेगी, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, उनको 2750 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सून एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं, उनके अनमैरिड लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3,00,000 रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला करेगी। मुख्यमंत्री खट्टर के इस घोषणा को लेकर प्रदेश के युवाओं की राय जानने हमारे संवाददाता युवाओं के बीच पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि सरकार का ये एक अच्छा फैसला है, सरकार ने कुंवारों के बारे में भी सोचा है। अच्छी योजना चलाई है सरकार ने, युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोचा है। जैसे कि कई बेरोजगार भी आज की डेट में, उनको पेंशन मिलती रहेगी, कुछ खर्चा तो चलेगा उनका घर का, ये बहुत अच्छी योजना चलाई है उन्होंने। हाँ, पहले भी चलाई है, पर इस बार जो चलाई है ये बहुत बेटर है, ताकि युवा भी कुछ कर सके, अपना जेब खर्ची वगैरह उनका चलता रहे। कितनी उम्र है आपकी और क्या आगे का विचार है? मेरी 32। अब क्या विचार है सर, निकलने का? कोशिश तो है सर। किस तरह देखते हैं इस योजना को? बहुत अच्छी योजना है, अच्छा लगा सुन के इस बारे में। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, जो कुंवारों की पेंशन लगाई है। वैसे तो काफ़ी और भी पेंशनें लागू कर रखे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है ये, कि जेब खर्चा निकलेगा उनका। और सरकार बहुत सी स्कीमें अच्छी लेके आ रही है अभी इस टाइम। क्या कारण है शादी वगैरह? कईयों की सर अपनी मर्जी से नहीं करवाते, कईयों की मजबूरी हो जाती है, कई हालातों से कईयों की शादी हो नहीं पाती। तो सभी के लिए जो कुंवारे हैं इस टाइम ठीक है, मतलब कि 45 से 60 साल की उनकी कुंवारों की पेंशन रहेगी, फिर आगे दूसरी पेंशन लागू हो जाएगी। अभी जैसे बुढ़ापा 60 साल से ऊपर की बुढ़ापा पेंशन और बहुत सी पेंशनें लागू हुई हैं सरकार ने कर रखी हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। 2750 रुपये मिलेंगे इसमें, ज़्यादातर फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, इसमें उनको जेब खर्चे मिलेगा, कहीं कहीं ना कहीं काम आएगा उनके लिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में कुल 71,000 ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री खट्टर के इस घोषणा का लाभ उठा सकते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी एक साल की बात की जाए तो सरकार को कुंवारों और विधवाओं को 240 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देने होंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार की ये स्कीम कितनी सफल हो पाती है। करनाल से कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।